एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोपहर का हुआ है समय, दोपहर के बज चुके हैं, तीन बज रहे हैं और बेटी को लगी है भूख। बेटी मांग रही है कुछ खाने के लिए, तो मैं इसको देखती हूँ क्या दूँगी। वैसे तो फ्रूट वगैरह रखे हुए हैं, मैं उनमें से इसे कुछ दे दूँगी। तो ये बनाना तो खाती नहीं है, एप्पल रखे हुए हैं इसके, मैं उसको इसे काट कर दूँगी। और हाय बोलो। हाय। और उसके बाद ये कह रही है कि मुझे मैगी भी खानी है, तो मैं उसको मैगी बना के दूंगी। और उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि कपड़े इसको वो दे करके एप्पल वगैरह, और फिर मैं जाऊँगी कपड़े वॉश करने के लिए जो कि मेरी मशीन में हो रहे हैं। मैं उन्हें निकाल के पानी से और सुखा दूंगी, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं है, लाइट भी कमी आ रही है, उस वजह से लाइट चली जाती है। तो इसलिए मैं कपड़ों को भी निकालूंगी पहले, उसके बाद बनाऊंगी मैगी। और चाय वगैरह बनानी है अपनी, थोड़ी सी मुझे भी भूख लगी हुई है। तो चलिए चलते हैं। और आज मैंने किया है मेकअप, ये देखिए। तो चलिए मैं देखती हूँ। और मैं चींटियों की वजह से इनको बहुत ऊपर छुपा छुपा कर रखती हूँ फलों को, क्योंकि हर जगह चींटी बहुत आ रही हैं। और देखिए आधे से ज़्यादा एप्पल ख़राब निकल चुका है। देखिए ये ऐसा लाल लाल सा हो रहा है, पता नहीं कल ही तो मंगाए थे, कितने ऐसे इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो गया। तो मैंने इसको छील लिया है, अच्छे से काट लिया है। यहाँ पर बेटी खा रही है मेरी एप्पल, और इसको पता नहीं है, मैंने इसकी चुपके से वीडियो बना ली है। तो आप भी खा लीजिए एप्पल, और कितनी मासूम सी बैठी है। जा रही हूँ कपड़े वॉश करने के लिए। लगा दिया है, मैगी यहाँ पर मेरी बन रही है, और बेटी को है बहुत जल्दी खाने की। देखिए इसे लग रही है भूख, तो यहाँ पर इसको बार बार देख रही है, मम्मी कितनी देर में बनने वाली है, मम्मी कितनी देर में बनने वाली है। तो बच्चों को ऐसा होता ही है, तो उसे भी लग रहा है। और उधर मैंने दूध रख दिया है जिसकी मुझे बनानी है चाय, तो मैं एक साथ ये दोनों काम कर लूँगी, और दोपहर वाला हमारा हल्का फुल्का सा खाना बनकर हो जाएगा तैयार, चाय और मैगी।
तो गाइस शाम के 6 बजे हैं और हम आ चुके हैं किचन में और हम कर रहे हैं यहाँ पर कुछ स्पेशल डिश बनाने की तैयारी। और वो स्पेशल डिश क्या है वो है राज कचौड़ी। हम बनाएंगे आज राज कचौड़ी और आइए आज हमारे घर है राज कचौड़ी की दावत जो कि बेटी की फरमाइश पर बन रही है, तो मैं यहाँ पर उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कुछ छोले भिगोकर सुबह रख दिए थे, ये अच्छे से भीग चुके हैं और अब मैं इनको बॉईल करूँगी। पहले इनको अच्छे से धो लूँगी, साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं इनको बॉईल करने के लिए रखूँगी। तो करती हूँ मैं इनको साफ़। तो गाइस आलू और छोले तो मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं और मेरी बेटी उधर कर रही है स्टफिंग भरने की तैयारी, जो उसमें हम अंदर भरेंगे राज कचौड़ी में। तो उसमें उसने लिया है खीरा है, प्याज है, टमाटर है और ये आलू और छोले हो जाएंगे। उधर दही और इमली की मीठी चटनी, खट्टी चटनी और भुजिया, ये सब हो जाएंगे। तो हम उसमें भरने के लिए वो तैयारी चल रही है अभी और मैं लगाऊंगी आटा, क्योंकि आटा पहले लगा देते हैं तो अच्छा बढ़िया हो जाता है वो। तो पहले मैं आटे को लगाती हूँ और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अभी सीटी नहीं आई है, अभी टाइम लगेगा इसमें सीटी आने में। तो देखिए ये मेरी कान्हा जी की प्लेट लगकर हो चुकी है तैयार और इसमें लग चुकी है कान्हा जी के लिए राज कचौड़ी। और हम अपने लिए जो बनाएंगे उसमें आपको स्टफिंग भरते हुए दिखाएंगे। तो ये तो मैं पहले उनको भोग लगा कर आती हूँ, इसमें प्याज वगैरह का उनके लिए हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो पहले मैं उनको भोग लगाती हूँ और मिलते हैं आपसे उसके बाद। तो देखिए इस प्रकार से पूड़ियों को कुरकुरा कुरकुरा सेक लेते हैं और फिर इसको ऐसे थोड़ा तोड़ लेते हैं पूड़ी को। और अब इसमें भरते हैं स्टफिंग। तो स्टफिंग में भरने वाले हैं हम, देखिए आलू, आलू ये आलू डाल दिए हमने इसमें, और अब ये भर रहे हैं इसमें छोले। और ये प्याज और खीरा और टमाटर, ये सारे स्टफिंग इसमें भर रहे हैं हम। और उसके बाद इसमें डालेंगे मीठी चटनी इमली वाली, वो आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। और आपके पास और भी कुछ स्टफिंग भरने के लिए है तो वो आप घटा बढ़ा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आपके स्वाद के अनुसार। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें आप सर्व कर सकते हैं। तो इसमें अब डाली जा रही है दही और फिर इसमें डालेंगे हम खट्टी चटनी, डाल दी हमने खट्टी चटनी। और पूड़ियों को थोड़ा बड़ा बड़ा ही बनाएं जिससे कि स्टफिंग इसमें आ जाए, ज़्यादा छोटी बनाओगे तो उसमें आती नहीं है। और अब इसमें डालेंगे हम जीरा पाउडर, ये हमने जीरा पाउडर डाल दिया है इसमें। और ये इसमें भुजिया ये वाली डाल दी है। और अभी इसमें और स्टफिंग भरेंगे क्योंकि ऐसे अच्छी नहीं लगेगी खाली सी, तो इसमें और भर लेंगे। इसमें ये हमने नमक डाल दिया है, ये हमने इसमें मिर्च डाल दी है। तो ये देखिए ये हमारी प्लेट लगकर हो चुकी है तैयार। अब इसमें हमें चम्मच और लगानी है, इसमें चम्मच और रख लेते हैं। तो देखिए ये हमारी प्लेट हो चुकी है लगकर तैयार। आइए खाइए और आप बताइए कैसी बनी है।
तो देखिए, देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे मुझे पता है कि ऐसे नहीं खिला सकते, तो आप देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे ठीक ठाक बनी थी, तो हम तो खाते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और इसके बाद ये क्लिप जो है वो मेरी बेटी ने कल बनाई थी, वो मैंने कल वाली इसमें आगे जो ऐड करूँगी वो कल वाली क्लिप है। तो गाइस, खाना वगैरह हमने खा लिया है और किचन को मैंने अपनी को सारा कर दिया है क्लीन। मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और मैं आ गई हूँ अब रूम में, तो काम तो कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म है। और अब पिएंगे हम दूध, तो अभी किसी को मन नहीं है दूध पीने का, तो मैं अभी यहाँ पर टीवी देख रही हूँ। मैंने सोचा इस वीडियो का एंड कर लिया जाए, आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो आप मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। और मैं बहुत जल्दी लाइव आने की कोशिश करूँगी, और जब मैं आऊँगी तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दूँगी और इस वीडियो का मैं करूँगी एंड। तो इसी के साथ मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।